से इस वक्त की बड़ी खबर। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मायावती ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर जताया है दुख। यूपी और उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका उन्होंने अदा की। उनके परिवार व समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। परिवार को दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की मौत के बाद मायावती ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवार और समर्थकों के प्रति उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां मायावती ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख जताया है। जहां उन्होंने दुख जताते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यूपी और उत्तराखंड की राजनीति के लिए ये गहरी क्षति है। वहीं इसी बीच बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फांसी पर लटकता मिला महिला का शव। सूचना के बाद परिवार में मचा कोहराम। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। 8 साल पहले हुई थी मृतका की शादी। बरौली गांव निवासी अनुज पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां फांसी पर एक विवाहिता का शव झूलता हुआ मिला है। आपको बता दें कि सूचना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मृतका की शादी 8 साल पहले हुई थी। वहीं बरौली गांव निवासी अनुज पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक विवाहिता का फांसी से झूलता हुआ शव मिला है। आपको बता दें कि मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मायके पक्ष वालों ने बरौली गांव के निवासी अनुज पर हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इसी बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम तीरथ सिंह पहुंचे गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। वहीं बच्चों को निःशुल्क टीके की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। बच्चों को लगाया जाएगा न्यूमोकोकल टीका। न्यूमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय, जहाँ कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज बच्चों को निशुल्क टीके की प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि न्यूमोकोकल टीका आज फ्री में बच्चों को लगाया जाएगा। ये टीका निमोनिया दिमाग के इन्फेक्शन से बच्चों का बचाव करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता रहे, जहाँ गांधी शताब्दी जिला अस्पताल पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, जहाँ उन्होंने पहुंचकर कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए कोशिशें शुरू कर दी है, जिसमें आज बच्चों को निःशुल्क टीका लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि न्यूमोकोकल टीका आज से बच्चों को फ्री लगाया जाएगा। ये टीका निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बच्चों का बचाव करेगा। तो बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे। जहां कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार की पहल शुरू हो चुकी है, इसी कड़ी में आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने बच्चों को निःशुल्क टीके की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि बच्चों को न्यूमोकोकल टीका फ्री में लगाया जा रहा है। ये टीका निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बच्चों का बचाव करेगा। वहीं इसी बीच सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां सोनभद्र में महिला पर हुआ एसिड अटैक। बता दें कि रेलवे में कार्यरत है ये महिला। जांच के बाद पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। चौपन थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सोनभद्र से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक महिला पर एसिड अटैक हुआ है। आपको बता दें कि ये महिला रेलवे में कार्यरत थी। वहीं अब पुलिस ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पूरा मामला चौपन क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी का बताया जा रहा है।
तो बड़ी खबर सोनभद्र से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला एसिड अटैक की शिकार हुई। आपको बता दें कि यह महिला रेलवे में कर्मचारी थी। वहीं पुलिस को जब मामले का संज्ञान हुआ तो पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पूरा मामला चौपन थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहाँ पर महिला के साथ एसिड अटैक की वारदात हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, चौपन थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर एक महिला पर एसिड अटैक हुआ है। आपको बता दें कि यह महिला रेलवे में कर्मचारी थी। फिलहाल जांच के बाद पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दे दिया है। बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर एक महिला पर एसिड अटैक हुआ है। वहीं इसी बीच हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर की टक्कर से टूटकर गिरा पोल। हादसे में एक की मौत, वहीं पांच लोग घायल। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। बिहानी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम काशी खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।